दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को क्रांति चक्र अवार्ड, अमर वीर क्रांतिकारियों के परिवारों को क्रांति चक्र अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अशोक भाटी जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा नोएडा, जिला अध्यक्ष भाकियू गौतम बुद्ध नगर नोएडा ने कहा कि अमर वीर क्रांतिकारियों के परिवारों को क्रांति चक्र अवार्ड 2023 से सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। गुर्जर आर्ट ऑफ कल्चर ट्रस्ट द्वारा मंच के माध्यम से स्वागत का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपके द्वारा गुमनाम वीर क्रांतिकारियों के परिवारों को सम्मान मिला। उन सभी वीर क्रांतिकारियों को सादर नमन जिनके चलते हमें आज़ादी मिली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रस्ट द्वारा आयोजित क्रांति चक्र अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इसके लिए गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट प्रशंसा का पात्र है। विधायक राजेश नागर ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अनेकों अनेक लोगों ने संघर्ष किया। किसी ने जेल तो किसी को गोलियां मिली, किसी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ऐसे में जब हमें आज़ादी मिली तो सबसे पहले भारत को एक बनाए रखते हुए आगे बढ़ा था। ऐसे में तत्कालीन सरकारों, प्रशासन या अन्य कारणों से बहुत से लोग रह गए जिन्हें उनकी शहीदों वाली पहचान भी नहीं मिल सकी। आज यह काम गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट कर रहा है जो कि सराहनीय कार्य है। विधायक राजेश नागर ने कहा कि देश के शहीदों का सम्मान करना भी एक बहुत बड़ी देश सेवा ही कहलाएगी। इससे पहले यहां मेरठ के अमर शहीद गुर्जर धन सिंह कोतवाल के गांव से चली क्रांति यात्रा का यहां स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया, जहां हजारों की संख्या में अमर शहीदों के परिजन पहले से उपस्थित थे। इस अवसर पर सोशल मीडिया पर मशहूर एक्टिविस्ट हिंदुस्तानी भाव ने भी लोगों में खूब जोश भरा। कार्यक्रम में सांसद रमेश बिधूरी, पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर एवं ट्रस्ट के रोमी भाटी, जगदीश लोहिया, रणदीप चौहान, पवन नागर, पूनम लोहिया, जगमोहन भड़ाना आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली में एनजीएमए में जन शक्ति प्रदर्शनी का किया दौरा। इस प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, भारत के पूर्वोत्तर, नारी शक्ति और योग, आयुर्वेद जैसे मन की बात में शामिल विषयों पर भारत के शीर्ष कलाकारों के काम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर लिखा, जन शक्ति का दौरा किया। यह मन की बात एपिसोड के कुछ विषयों पर आधारित कला के अद्भुत कार्यों की प्रदर्शनी है। मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी रचनात्मकता से प्रदर्शनी को समृद्ध किया। विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद तेज। आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे। केजरीवाल और आदित्य ठाकरे की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद ठाकरे से केजरीवाल की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कर्नाटक में जीत से न सिर्फ कांग्रेस को ही खुशी हुई है बल्कि अन्य पार्टियों को भी लगने लग गया है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और भारी बारिश। बांग्लादेश और म्यांमार तट से टकराया चक्रवात। चक्रवाती तूफान मोका ने बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों से टकरा गया है। इससे पहले यह बेहद तीव्र होकर श्रेणी 5 के तूफान जैसा हो गया। चक्रवात के कारण भारी बारिश हो रही है और 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मोका के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में खतरनाक बाढ़ का भी अंदेशा जताया जा रहा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के तटीय इलाकों में आपदा मोचन बल के कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।